सो आज संडे इवनिंग है, घर के सारे दिन के काम हो गए हैं, ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह सब कुछ। अब मैं जाके करूँगा अपना वर्कआउट। जब से मैंने क्लासेस जॉब ज्वाइन की है ना, मेरे वर्कआउट हो गए बहुत ज़्यादा इरेगुलर, कभी मतलब हो जाता है नहीं हो पाता। ऊपर से हम लोग नए घर पे शिफ्ट हुए हैं, जब से मेरा ट्रैवल डिस्टेंस भी काफ़ी बढ़ गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बॉरिस अभी बहुत छोटा है, इसीलिए हम कहीं बाहर ऐसे वर्कआउट वगैरह वाली जगह पे जा नहीं पाते। लेकिन हम लोग प्लान कर रहे हैं अगले महीने से YMCA ज्वाइन करने का। तब तक का जो मैंने जुगाड़ किया हुआ है वो अपने गैराज में ही किया हुआ है, तो चलो अभी वहाँ चलते हैं। बस एक ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं, ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी रेडी हो गई है, उसके बाद नीचे चल के वर्कआउट करते हैं। एक छोटा सा काम और है, मेरे को अपनी गाड़ी साफ़ करा के लानी है, इतनी गंदी हो रखी है। स्नोफॉल तो अब बंद हो गई, तो मैंने सोचा आज थोड़ा टाइम निकाल के कार भी क्लीन करा ही ले आता हूँ। तो गाड़ी की हालत ख़राब हो रखी है बिल्कुल, अभी देखना धुल के आने के बाद मस्त हो जाएगी। एक काम और था, कूड़ा भी फेंक के आना है, यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है सारा, तो इसको गाड़ी में रखता हूँ और बाहर जो गार्बेज डिस्पोजल है वहाँ पर उसको फेंकते हैं। फिर ये काम इतने ज्यादा होते हैं कभी खत्म ही नहीं होते। तो यहाँ पे है गार्बेज डिस्पोजल, तो ये गैराज में मैंने अपना अरेंजमेंट किया हुआ है अभी तो। देखो भाई, मेरा ये मानना है कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी जगह अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट करते रहना चाहिए। मसल्स को ट्रेनिंग मिलती रहे, मसल मास हल्का हल्का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, एनर्जी लेवल्स, ओवरऑल हेल्थ, हर चीज़ के लिए। तो ये इंतज़ार करना कि हम भाई जिम ज्वाइन करेंगे तब ये होगा तब वो करेंगे, उस चक्कर में बहुत टाइम निकल जाता है। चलो मैं वर्कआउट ख़त्म करता हूँ। ओके बोरिस, घूमी घूमी करके आएगा आज। बाहर घूमने चले, मस्त मौसम हो रखा है, धूप निकली हुई है, देख खिड़की के बाहर मस्त नजारा है। मम्मी क्या कर रही है तेरी? आज हो रही है भाई घर की सफाई, ये रही मैडम पीछे। नहीं, मेरे को सफाई करते वक्त मत लिया करो। कोई बात नहीं बेबी, क्या बात है, मेरे को आपके ब्लॉग में काटना पड़ता है डेटा। ना ना, सब मस्त है। प्लान क्या बनाया आपने आज का? तो यही है कि पहले तो मेरी प्रायोरिटी आज सफाई है, ऊपर नीचे की होगी, और अभी बाकी है सफाई ऊपर की। लो ये क्रिस्पी अच्छा लगता है आपको? खाओ। वैसे ये छोटे छोटे स्नैक्स लाए हुए हैं इसके, ये कुछ राइस क्रिस्पी है, इन्हें खा लेता है खुश होके। ये लो बाबू, गुड बॉय। तो मेरे साथ खेलता कूदता रहता है ये, फिर इसके बाद एक टाइम के बाद मम्मी को ढूंढने लग जाता है। ओए कहाँ है मम्मी? मम्मी कहाँ है? कहाँ है बोरिस मम्मी? बाबू अभी आवाज आई थी, आपने कहाँ सुनी थी? हैं? किधर है मम्मा? कहाँ है बताओ? किधर है? आओ ऊपर है, चलो लेके आएंगे उसको। तो जब तक डेमी सफाई करती है मेरे को इसको एंटरटेन करते रहना पड़ता है मोटू को। हमारे ऑफिस में मतलब हमारी डीलरशिप पे हमेशा ना कोई फ्री पिज़्ज़ा, फ्री डोनट्स हमेशा आए रहते हैं। आज डोनट्स आए हुए हैं। Without the mom being around. How old are these nephews? They just turned 19. So मैंने अपना डोनट ले लिया। ऐसी मस्त चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे। So आज का दिन तो बहुत ही स्लो निकला, सारा का सारा ही बहुत ही कम कस्टमर आए। आज मेरी सुबह बस एक अपॉइंटमेंट थी, उसके अलावा फ़ोन कॉल्स कुछ थे, फॉलोअप्स मैंने किए। बट जब कस्टमर्स फुटफॉल आता रहता है ना, एक्टिविटी चलती रहती है, बड़ा मज़ा आता है भाई। टेस्ट ड्राइव पर जाओ, गाड़ियाँ डिस्कस करो, किसको क्या चाहिए, इट्स फन। जिस दिन थोड़ी सी स्लो हो जाती है उस दिन बहुत ही डल और बोरिंग हो जाता है भाई। हमारी डीलरशिप पे इस वक्त टोयोटा रैव4 हाइब्रिड, नॉन हाइब्रिड सब अवेलेबल है। आइए गाड़ियाँ देखिए, टेस्ट ड्राइव पर चलिए और फिर जो पसंद हो वो ले जाइए। चलो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आज थोड़ी सी इनएक्टिविटी थी, कल सुबह आके देखते हैं। नए दिन की शुरुआत अच्छी थी, वो बड़े सारे कस्टमर्स आए और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीदें। आपको भी अगर टोयोटा की गाड़ी की ज़रूरत है तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी। आ जाएँ एनर्जी टोयोटा पे कैलगरी में, आपका भव्य स्वागत करेंगे।